सब्सक्राइब कीजिए हिंदी बोलेगी चैनल को और दबा दीजिए इस घंटे को मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पानी में मौजूद इस बड़े से होल का राज बताएंगे। जो भी इस बड़े से होल को देखता है हैरान हो जाता है, क्योंकि ये सारा पानी इसके अंदर जाता रहता है तो ख़त्म क्यों नहीं होता। क्या ये होल खुद बना है या इंसानों के द्वारा बनाया गया है? जब भी इसको देखा जाता है तो ऐसे लगता है कि सारा पानी धरती के अंदर जा रहा है, लेकिन दोस्तों सच कुछ और है। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये होल इंसानों के द्वारा एक बांध पर बनाया गया है, इसको स्पिलवे कहा जाता है। ये एक कुएं की तरह बनाया गया है और इसको ग्लोरी होल के नाम से भी जाना जाता है। इस स्पिलवे या कह लीजिए ड्रेन होल को बेरियसा नदी पर बनाया गया है, जो कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी नदी है। इसका काम जानकर आप दंग रह जाएंगे। इस होल का काम यह है कि जब इस नदी में बांध के पास पानी का स्तर बढ़ जाता है तो फालतू पानी को इसके द्वारा दूसरी जगह निकाल दिया जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्पिलवे अलग अलग बांधों पर बनाए गए हैं। सभी स्पिलवे का काम होता है पानी का स्तर बढ़ने पर बांध को टूटने से बचाना। लेकिन कैलिफोर्निया में बेरियसा नदी के ऊपर मोंटिसेलो बांध के पास बनाया गया ये ग्लोरी होल बहुत फेमस है। ये काम कैसे करता है, चलिए आपको बताते हैं। जब इस नदी में पानी का स्तर 440 फुट के ऊपर चला जाता है तो पानी इस स्पिलवे या ग्लोरी होल में जाना शुरू हो जाता है। यह ग्लोरी होल बांध से 200 फुट की दूरी पर बनाया गया है और इसके नीचे एक बड़ी सी पाइप की तरह पानी को निकालने के लिए निकासी बनाई गई है, और यह निकासी ग्लोरी होल से 700 फुट की दूरी पर जाकर खुलती है। बाद में ग्लोरी होल से निकलने वाला ये पानी बांध से निकलने वाले पानी में मिल जाता है और खेती आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।